Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है, अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल हर तरह से आपके लिए गाइडेंस का सबब बनेगा. चलिए जनाब देखते हैं मैसेज ऑफ द डे. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे. काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं, आने होंगे तो दोबारा भी आ जाएंगे. चलिए जनाब आ गया मैजिशियन. आ रहा था पहले भी, बहुत फूट फूट के फटक फटक के आ रहा था. एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस. पेज ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड. आज आपको कोई ना कोई, ओ टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको आज कहीं ना कहीं से कोई मैसेज, कोई हाय हेलो, कोई खैर खैरियत की बात, कोई चेक करेगा आपको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, दरवाजे पे कोई आ गया था. आज के दिन आज का मैसेज मैं बिल्कुल क्लियर देख सकती हूँ. आपकी तरफ कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, कोई पुराना दोस्त, कोई ऐसा सोल पार्टनर, कोई जिससे आपकी काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है. विद द टू ऑफ कप्स, आई गेस किसी के साथ रीयूनियन प्लान है, कहीं मिलने जाएंगे आप किसी से, और किसी से रीयूनाइट होंगे. बहुत दिनों से किसी से मुलाकात नहीं हुई है तो डेफिनेटली आप मिलेंगे. एक एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट ज़रूर होगा. ओवरऑल तो मैसेज ऑफ द डे में आज ये चीज़ लिखी हुई बहुत पॉजिटिव है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आज आपकी एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह के आप हैं, जिस तरह की आपकी नेचर है, जिस तरह का आपका काम है, जिस तरह का आपका ज़िंदगी में जो रोल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है. आप या तो किसी को कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र करेंगे, कोई आपको कहीं इनवाइट करेगा किसी सेशन के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी मीटअप के लिए, कि जैसे तुम आओ, तुम्हारे आने से अच्छा रहेगा, और वहाँ पर आपका कोई छोटा सा सेशन हो, आप वहाँ पर कोई बात करें, अगर तो आप ऐसी किसी पर्टिकुलर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो. वरना ये फैमिली गैदरिंग में भी आपको एक स्पेशल इन्विटेशन हो सकता है. वर्क प्लेस पर, ऑफिस और दूसरी जगहों की बात तो है ही अलग, लेकिन कहीं ना कहीं आपको या तो कोई ऑनलाइन सेशन पे बुला लेगा कि वेबिनार ज्वाइन कर लो, बात कर लो, या आप कहीं कोई ऑनलाइन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं. जैसे आजकल तो इंस्टा की रील्स को लोग स्क्रॉल करने बैठते हैं तो इतना करते 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 कि घंटे लग जाते हैं. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जैसे आप आजकल आज ऑनलाइन काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, नेट सर्फिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, इंस्टा फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह देखेंगे, हर चीज़ों को चेक बहुत ज़्यादा करेंगे, चिल टाइम जिसे कहना चाहिए ना. लेकिन ओवरऑल विद द मैजिशियन कार्ड आप थोड़ा सा ठहराव रखें, थोड़ा सा अपनी सलाहियतों को सही जगह पर शोकेस करें तो ज़्यादा बेटर है. आप हर जगह अवेलेबल होने की कोशिश भी ना करें. ये ज़रूर देखें कि अगर आपको कहीं से इनविटेशन आ रहा है तो वो जगह ऑथेंटिक है, वहाँ पर लोग आपकी प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं, आप जिस पर्पज़ के लिए बुलाए गए हैं वो पर्पज़ वहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. वरना ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आज का दिन आपके लिए बहुत पावरफुल दिन है. विद द मैजिशियन कार्ड, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, कुछ चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं, या तो आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग किसी को कुछ गिफ्ट देंगे, कोई ऑफ़र करेंगे, या फिर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगी. आप अपने टैलेंट को लेते हुए भी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन गाइड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, कोई लिटरली आपको पुश करेगा कि आप कुछ ऑनलाइन गाइडेंस दें, क्योंकि मीटअप या फेस टू फेस सेशन मुश्किल है और आना मुश्किल है, इन तमाम चीज़ों को सेव करने के लिए. कहीं ना कहीं से विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कोई अच्छी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है. कोई आपके काम के मुतालिक ज़रूर कुछ ना कुछ टटोलेगा और उसको लगेगा कि यार दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू कि तुम अपने टैलेंट को शोकेस करो और इस तरफ आओ. तो कुछ ऐसी बात ज़रूर हो सकती है. आप आज के दिन देखिए
ये आपके एक तरीके से पेशेंस का रिवॉर्ड भी है, आज के दिन ऐसा ज़रूर होगा। पूरे दिन में एक्चुअली मैसेज ऑफ द डे लोग बहुत क्विकली देख लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही होता है कि वो बाय द एंड ऑफ द डे भी उसको रिकॉल करें। तो आप अगर इसको एक दफ़ा सुबह देख लेते हैं और फिर रात को भी अगर देखें, तो आपको पूरे दिन का रिफ्लेक्शन पता चलेगा कि आज बहुत सारी बातें जो मैसेज ऑफ द डे में पता चली उनमें से कुछ हुई या नहीं हुई। तो इससे काफ़ी कन्फर्मेशन हो जाती है, बिकॉज़ ये कलेक्टिव की रीडिंग होती है, लेकिन कलेक्टिव में कोई ना कोई मैसेज एक आध आपके लिए ज़रूर होता है। तो देखिए आज आपको कौन ऑनलाइन ढूंढ रहा है, आप क्या ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, क्या ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, आप किसको क्या ऑफ़र करने वाले हैं। कोई प्रपोजल भी हो सकता है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, और प्रपोजल शादी का भी हो सकता है, या कोई ऑनलाइन सर्चिंग का भी हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बट दिस इज़ समथिंग इन योर माइंड विच यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर सो लॉन्ग। ठीक है जनाब, तो ये है मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।